हम शायद के आंतरिक प्रचोदन की बात करेंगे। शायद का आंतरिक प्रचोदन इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले समझ लें, शायद में जो विद्युत अभ्यर्थ जो भरा होता है ये अपने आयनों में विभक्त होता है और उसके ऋणायन एनोड की और धनायन कैथोड की ओर चलते थे। आयनों के प्रवाह के कारण शैल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बाहर जो है बाहर के परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। शैल के अंदर जो विद्युत धारा है वो आयनों के प्रवाह के कारण वो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये आयन आखिर विद्युत अवघट में तो चलना पड़ेगा इनको, तो चलते समय ये जो विद्युत अवघट है ये ना आयनों के माध्यम में रुकावट उत्पन्न करते हैं। विद्युत अवघट आयनों के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो अवरोध प्रस्तुत करता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस अवरोध को हम शायद का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शन करते हैं और जैसे अन्य प्रतिरोधों का मात्रक ओम होता है उसी प्रकार आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक भी ओम। फिर से हम देख लें कि आयनों के प्रवाह के मार्ग में या वह शैल के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में इस विद्युत अवघट के द्वारा जो अवरोध प्रस्तुत किया जाता है उस अवरोध को हम इस शैल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत अवघट के द्वारा शैल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करी जाती है उस रुकावट को हम शैल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम स्मॉल आर से सामान्य रूप से प्रदर्शित करते हैं और जैसे हमको पता है कोई भी प्रतिरोध हो उसका मात्रक ओम होता है तो आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है। अब हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के विद्युत अवघट बल और सेल के टर्मिनल वोल्ट का शैल के सिरों के बंद के विभवांतर के बीच में संबंध स्थापित करें। ये संबंध स्थापित करें इसके पहले विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में समझ लें। विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को शैल के अंदर और शैल के बाहर के परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को शैल का विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल असल में कार्य है, फिर कौन सा कार्य है? एकांक आवेश शैल के आंतरिक परिपथ में मन शैल के अंदर और शैल के बाहर के परिपथ में प्रवाहित करने का जो कार्य है इस कार्य को विद्युत वाहक बल जिसे कैपिटल से प्रदर्शित करते। इसे यूं भी कह सकते कि अगर सेल खुले परिपथ में सेल रखा हुआ है इससे धारा नहीं ले रहे, जब सेल से कोई धारा नहीं ले रहे इसे हम कहेंगे सेल खुले परिपथ। यहां पर चित्र सेल बंद परिपथ, जब बंद परिपथ में होता है तो हमने परिभाषा करी एकांक आवेश को सेल के अंदर और शैल के बाहर के परिपथ में प्रवाहित होने में जितना कार्य करना पड़ता है शैल के द्वारा उस कार्य को शैल का विद्युत वाहक बल। ये विद्युत वाहक बल यूं भी परिभाषित कर, अगर शैल खुले परिपथ में हो जैसे यहां बना हुआ कोई धारा नहीं था, जब शैल खुले परिपथ में होता है उस समय उसकी दोनों प्लेटों के बीच की विभवांतर को भी विद्युत वाहक बल है। दोनों स्थितियां विद्युत वाहक बल की, अब टर्मिनल वोल्ट या जिसे विभवांतर कहें वो भी देख लेते हो। जब धारा लेने लग जाते हैं तो
तो शैल का विद्युत वाहक बल अब कम हो जाएगा, इसके शैल की प्लेटों के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल से कुछ कम हो जाता है। इस समय जो विभवांतर है इसकी दोनों प्लेटों के बीच में, इस विभवांतर को हम टर्मिनल वोल्टता के नाम से पुकारते। फिर से देख लो टर्मिनल वोल्टता, जब शैल से धारा ले रहे हैं परिपथ में, इस समय शैल की दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को हम टर्मिनल वोल्टता के नाम से पुकारते। अगर शैल से धारा नहीं रहेगी तो शैल की दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहेंगे। शैल से धारा लेंगे तो शैल की दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो क्लियर बात है, विद्युत वाहक का मान ज्यादा होता है और टर्मिनल वोल्टता का मान कम होता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल में एकांक आवेश को शैल के अंदर भी और शैल के बाहर जाने में भी कार्य करना पड़ता है शैल के द्वारा। और शैल को विद्युत वाहक बल का और टर्मिनल वोल्टता केवल बाहर के परिपथ में एकांक प्रतिरोध, बाहर के परिपथ में एकांक आवेश को जाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को उस शैल की टर्मिनल वोल्टता के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा होता है और टर्मिनल वोल्टता का मान सदैव कुछ कम होता है। हम संबंध पढ़ना चाहते हैं शैल के आंतरिक प्रतिरोध, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया है, ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है अन्य प्रतिरोधों के, और वी विभवांतर टर्मिनल वोल्टता है और ये इसका विद्युत वाहक बल है, और बाहर के परिपथ का मान लो प्रतिरोध कैपिटल आर है, और आर के सिरों का विभवांतर हमने वोल्ट मीटर से नापेंगे वी हो गया, ये आर के सिरों का विभवांतर भी है और ये दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। ए बिंदु असल में प्लेट पर ही तो पहुंचा भाई, बी बिंदु ये जड़ प्लेट पर पहुंच गया। इस प्रकार से आर के सिरों का जो विभवांतर है वो वास्तव में शैल की दोनों प्लेटों के बीच का भी विभवांतर है, जिसे हम टर्मिनल वोल्टता के नाम से भी पुकारते। अब देख रहे अपन ये परिपथ बना लिया हमने, और कुंजी जोड़ देंगे, कुंजी लगा देते चलिए, और कुंजी जोड़ के बिंदु बना दिए, कुंजी जोड़ के तो शैल से धारा बहने लग जाएगी। मान लो आई धारा बह रही शैल से, हम देख रहे प्लीज धारा बराबर, मान जो परिपथ में धारा बह रही है, धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध होता है। तो देख लेते विद्युत वाहक बल ई है, देख लो तो ई को ई लिख दिया, और तुल्य प्रतिरोध अभी हम बात कर रहे थे, ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये सदैव अन्य प्रतिरोध के वाह प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में होता है, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, फॉर्मूला खत्म आर बराबर आर वन प्लस आर टू, ये जो कुल प्रतिरोध आएगा जिसे तुल्य प्रतिरोध करें वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, आई बराबर विद्युत वाहक बल जैसे ई लिखा है बटे में तुल्य प्रतिरोध जिसे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब फिर से गुणा कर लेते अपन ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का आई है, और फिर से गुणा करेंगे तो आएगा ई बराबर आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर, देख लो फिर से गुणा करके, लेकिन आई धारा ए बी में से होकर भी जा रही, इसके सिरों का विभवांतर जैसे वी लिख रहे अपन तो वी बराबर आई आर हो जाएगा ओम के नियम से, तो जहाँ पे आई आर लिखा आई कैपिटल आर लिखा है वह वी लिखे लेते, संबंध बचेगा ई बराबर वी प्लस आई स्मॉल आर, वी का पक्षांतर करते हो ई माइनस वी बराबर आई आर आ जाएगा। अब आर माने आंतरिक प्रतिरोध, इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी बटे आई आ जाएगा। चलो मान ले समीकरण तीन आ गई, लेकिन समीकरण दो पर विचार करें, ओम के नियम से वी बराबर आई आर, वी जो ए बी है प्रतिरोध इसके सिरों का विभवांतर माने शैल की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर जब शैल से धारा बह रही है, तो चलो ये जो आई आर को हमने वी से व्यक्त करा था तो आई का मान निकालेंगे, आई बराबर वी बटे आर आ जाएगा, यहाँ पर आई के स्थान पर हम वी
जी बचे आ लिखेंगे देख लीजिए तो संबंध आएगा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर E माइनस वी बचे आर आर ऊपर पहुंच जाएगा पलट के तो संबंध आएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर E माइनस वी बचे वी ये वी का हम दोनों पदों में भाग लगा देंगे तो शेष बचेगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर E बचे वी माइनस आई ये आर में स्मॉल आर में कैपिटल आर में ये वी में हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की चर्चा करेंगे तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं वो चार कारकों पर निर्भर करता है। इस सेल यहां बनाया हुआ है इसमें दो प्लेटें एक धन तेज एक ऋण तेज होती है बीच में विद्युत अभ्यर्थ है पार्श्व में भरा हुआ है ये प्लेटों के बीच में कुछ दूरी भी है और प्लेटों का क्षेत्रफल अभ्यर्थ भी डूबा हुआ भी यहाँ देखकर बीच जो आंतरिक प्रतिरोध से इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं उन चार कारकों पर फोर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है निर्भर करता है। पहला कारक सेल के प्लेटों के बीच की दूरी ये सेल रहा इसकी प्लेटों के बीच दूरी बढ़ती है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है बिल्कुल सिंपल सादा सी बात है दूरी बढ़ेगी तो आयन को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ज्यादा दूरी में चलना पड़ेगा ज्यादा दूरी में चलना पड़ेगा तो रास्ते में ज्यादा अवरोध आएगा इसलिए पहली बात हमने देख ली कि जो आंतरिक प्रतिरोध है ये सेल की प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगर प्लेट के बीच की दूरी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। दूसरा सेल की प्लेटों के अवघट में डूबे क्षेत्रफल पर ये प्लेटें डूबी अवघट पूरा क्षेत्रफल डूब सकता है कुछ कम क्षेत्रफल डूबे इस पर भी निर्भर करता है। यदि डूबा हुआ क्षेत्रफल बढ़ता है प्लेटों को ज्यादा क्षेत्रफल डूबा हुआ है तो आर्थिक प्रतिरोध कम हो जाता है और अगर प्लेटों का कम क्षेत्रफल डूबा हुआ है विद्युत अवघट में तो आर्थिक प्रतिरोध बढ़ जाता। अगली बात विद्युत अवघट की सांद्रता पर कंसंट्रेशन पर ज्यादा कंसंट्रेट होगा ज्यादा सांद्रता होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा क्योंकि तब आयन के मार्ग में ज्यादा रोकावट उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर विद्युत अवघट की सांद्रता बढ़ती है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और अंतिम बात है ताप पर ताप बढ़ेगा ये जो विद्युत अवघट है अगर इसका ताप बढ़ता है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। ये चार कारक है जिन पर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर